सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मुस्कुराहटें बिखेरने वाला मद्दाहों को रोता छोड़ गया। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ खाली के हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ इलाज के लिए अमरीका रवाना हुए थे। रास्ते में तबीयत खराब होने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कराया गया। न्यूरमबर्ग के हॉस्पिटल में चार रोज जेरे इलाज रहने के बाद अब उमर शरीफ खाली के हकीकी से जा मिले हैं। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में करियर का आगाज किया था। उमर शरीफ ने कॉमेडी की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। पाकिस्तान के अलावा सरहद पार भी बड़ी तादाद में मदाह मौजूद हैं। कॉमेडी में उमर शरीफ वन मैन शो के बेताज बादशाह ठहरे, जिन्होंने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मदाहों को आज रोता छोड़ गए। स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। रास्ते में तबीयत खराब होने पर जर्मनी के न्यूरमबर्ग अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था, जहां पर वो चार रोज तक जेरे इलाज रहने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपको बताएं कि उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज किया था। उमर शरीफ दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और उनकी उम्र इस वक्त 66 बरस थी। जी हाँ, लाखों होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उमर शरीफ खाली के हकीकी से जा मिले हैं। उमर शरीफ के अगर मद्दाहों की बात की जाए तो उमर शरीफ ने फ़न की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उमर शरीफ के मद्दाह जो हैं वो मौजूद हैं और तमाम मद्दाहों को सोगवार छोड़ते हुए उमर शरीफ अपने खाली के हकीकी से जा मिले हैं। उमर शरीफ के ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले मौजूद थे। कॉमेडी और फ़न की दुनिया में उमर शरीफ जो है एक मुनफरिद मकाम रखते थे। हमें ज्वाइन किया है भारतीय अदाकार रजा मुराद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाखों करोड़ों सभी के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले लेजेंड आज खामोश हो गए हैं। यकीनन बहुत एक दुख की घड़ी है सभी के लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? ये ना सिर्फ एक दुख की घड़ी है बल्कि ये कौमी सरानेहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में उनके लातादाद मद्दाह परस्तार हैं, जिनके चेहरों पर उन्होंने खुशी हंसी बिखेरी है। आज वही आंखें अश्कबार हैं उन्हें याद करके, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बारगाह इलाही में उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। वो इंशाल्लाह फिरदौस मकी होंगे, वो जन्नती हैं। इसकी वजह यह है कि अल्लाह की मखलूक को उन्होंने साल साल खुश किया है, उनकी जिंदगी में खुशियां बिखेरी हैं, मासूम और उदास चेहरों पर उन्होंने हंसी के फव्वारे छोड़े हैं। मैं यही कहूंगा उनके लिए कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थामते साथी। कितने अफसरदा उदास चेहरों को उन्होंने खुशी बख्शी है, और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मेरे बंदों को खुश करने से बड़ा और कोई सवाब नहीं है। तो उन्होंने हमेशा जो उनका जो टैलेंट है, उनकी जो सलाहियत है, उनका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया अल्लाह की मखलूक को खुश करने के लिए। और मैं यही कहूंगा कि ऐसे फनकार जो हैं वो सदी में नहीं बल्कि हजार साल में एक पैदा होते हैं। यही कहूंगा उनके लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है, रात मौजूद नहीं है, लेकिन उमर शरीफ यकीनन लाफानी है, उनका फन यकीनन लाफानी है, और आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं वो उन्हें भले जिस्मानी तौर पर ना देख पाए लेकिन उनका फन वो देख पाएंगे वीडियो। बेशक उनका फन लाफानी है और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।